इंग्लिश फर्स्ट में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आ क्लेवर वुड कटर। कल हम लोगों ने पढ़ा उसके आगे गंबलिंग डज नॉट मेक योर वर्क लेस हार्ड सेड द स्ट्रेंथ लिटिल ओल्ड मैन। बूढ़े विचित्र आदमी ने कहा बड़बड़ाने से आपका काम थोड़ा आसान नहीं हो जाता। डू नॉट लाइक ग्रम्बल्स हाउएवर आई वॉन्ट टू हेल्प यू। यदि आप बड़बड़ाएं नहीं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। व्हाट शैल आई डू टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ। इफ यू रियली वॉन्ट टू हेल्प मी सेंड मी ए जेंट टू डू माई वर्क फॉर मी सेट द वुड कटर। लकड़हारे ने कहा यदि वास्तव में आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मेरी सहायता करने के लिए एक दानव या राक्षस को भेज दें। वेरी वेल सेट द स्ट्रेंथ लिटिल ओल्ड मैन। विचित्र बूढ़े आदमी ने कहा बहुत ठीक आई शैल सेंड यू ए जेंट बट आई वार्न यू ही इज वेरी फर्सीडेंट। हाँ मैं आपके लिए एक राक्षस भेज दूंगा लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ वह बहुत ही भयानक राक्षस है। इफ यू डू नॉट कीप हिम बिजी विद वर्क ही विल किल यू। यदि तुम उसे कार्य में व्यस्त नहीं रखोगे तो वह तुम्हें मार डालेगा। द वुड कटर स्माइल्ड एंड सेड देयर इज प्लेंटी ऑफ वर्क फॉर हिम टू डू सर। लकड़हारा मुस्कुराया और उसने कहा श्रीमान जी उसके लिए बहुत सा कार्य है। ऑल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर टू बी कट डाउन। जंगल के सभी पौधे काटने हैं। देयर इज ऑल राइट सेड द लिटिल ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कहा बिल्कुल बहुत ठीक। द जेंट शैल रीच यू हाउस एट सनराइज टुमारो। कल सूरज निकलने से पहले वह दानव तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। सेइंग दिस लिटिल मैन वेंट अवे या कहकर के बूढ़ा आदमी चला गया। एंड द वुड कटर लेफ्ट फॉर होम हैप्पीली। और बूढ़ा आदमी प्रसन्नतापूर्वक घर चला गया। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।